हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे आपको बताऊंगा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज। जो बीएड है उसके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के कब होते हैं और उसकी लास्ट डेट क्या होती है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करूंगा। आज यहाँ पे 5 मार्च है और आज जो है यहाँ पे लास्ट डेट है, मैं आपको बता दूँ। तो आप लोग अगर अपने तक नहीं अप्लाई किया आपने तो जाके अप्लाई कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सारी डिटेल आप देख लीजिए, आप लोग एलिजिबिलिटी वगैरह क्या चीज़ें हैं। और जो लोग अपियरिंग में ग्रेजुएशन में है उनको वीडियो आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाए। देखिए वीडियो में छोटी सी यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि आज लास्ट डेट है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए। अगर आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो आप लोग, और मैं यहाँ पे बुक भी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ बीएड में, जो जो बुक्स वगैरह एंट्रेंस एग्जाम में लगती है, कौन से बुक्स हैं बेस्ट हैं, कहाँ से आप मॉडल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा लगा है। मैंने बीएड कर रखा है, एंट्रेंस मैंने दिया था जो है, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो मैं आपको बताऊँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज यहाँ पे से बात करेंगे जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का आपका पेपर होता है, कितने पेपर्स होते हैं, और इसी के साथ साथ जो है आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कितने चरण में, ये सारी चीज़ें होंगी। छोटी सी वीडियो है, इन शॉर्ट सब कुछ बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीएड है वो इस समय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है, बीयू झांसी करा रही है। लास्ट ईयर एमजे पीआरयू बरेली ने करवाया था। टोटल 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। फिलहाल बता दें आपको 2 साल का ही बीएड इस बार भी देखने को मिलेगा आपको, अगर हम बात करें तो जो है पीजी के बाद, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी नए सेशन से स्टार्ट कर सकती है, ऐसा चांस था क्योंकि 26 जनवरी को यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन जो है ट्विटर पर चीज़ आई थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि 1 साल का कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या स्कीम वगैरह है, ठीक है। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं 2 साल का ही वालों के लिए होगा, और ग्रेजुएशन के बाद तो 2 साल का ही होता ही है। इंजीनियरिंग वाले करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 2 साल का ही होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो बैचलर्स डिग्री है और यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है उनके 50% लगते हैं, जो ग्रेजुएशन और जो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग वाले हो जाते हैं उनकी 55% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, एक एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो एज लिमिट जो होती है यहाँ पे 15 साल मिनिमम आपकी एज लिमिट हो जाती है। अब एप्लीकेशन फीस की बात आती है तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी होती है वो 1400 रुपये होती है, जनरल ओबीसी के लिए होती है, और एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए आपकी हो जाती है 700 रुपये फीस। अगर आप लेट फीस लगाते हो तो अगर डेट के बाहर आप जाते हो, जैसे अभी 2023 की बात करें तो 5 तारीख लास्ट डेट है और 10 तारीख जो है आपको, अगर आप लेट फीस जमा करते हो 10 तक कर सकते हो, तो आपकी वही लेट फीस है कि जहाँ पे 1400 है वहाँ पे 2000 हो जाएगा और जहाँ पे 700 है वहाँ पे आपका 1000 रुपये फीस हो जाएगा। ये आपके लेट फीस के क्राइटेरिया थे। देखिए जो आपके फॉर्म्स हैं वो 3 चरण में भरे जाते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड बनाना पड़ता है आपको, मोबाइल नंबर ईमेल डाल के आप लोग कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होता है, ठीक है। उसमें क्वालिफिकेशंस होती है, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें भरना होता है। उसके बाद फाइनली आपको प्रिंट निकालना होता है आफ्टर पेमेंट, ठीक है। पेमेंट करके आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, ये 3 प्रोसेस होते हैं, काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे फोटो लगती है आपकी, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, तो फोटो की साइज को लेकर काफ़ी इशू रहता है। तो यहाँ पे 350 mm से 450 mm मीन्स 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपकी जो है साइज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो सिग्नेचर है उसके भी स्कैन फोटोग्राफ सबके पास होने चाहिए। साथ ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट और आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं तो पीजी की मार्कशीट उनके पास होना ही चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो क्राइटेरिया है, पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 चरण में पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, पूरा 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सबसे पहले पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। सेक्शन ए में आपका आ जाता है जीके मीन्स की जो जनरल नॉलेज है, और वो 50 नंबर का होता है, 100 मार्क्स के हो जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। साथ ही साथ आपका जीके के साथ जो है लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज मीन्स अगर आपने हिंदी चूज़ किया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश किया आपने तो इंग्लिश का देना पड़ेगा, वो भी 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा सेक्शन ही हो जाता है। सेक्शन बी में आपका क्या हो जाता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड जीके की जगह एप्टीट्यूड आ जाता है, जी ए जिसको कहते हैं, भी 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के हो जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। साथ ही बात करें जो सेक्शन बी होता है दूसरे मीटिंग का पेपर, उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ये है ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, या यहाँ पे आप कृषि साइड से हैं, एग्रीकल्चर साइड से हैं, यांत्रिक साइड से हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जब एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरेंगे तो उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स डालना पड़ेगा आपको, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का ये भी होता है। मतलब 200 मार्क्स का पहला पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर, टोटल 400 मार्क्स
होते हैं तो इसमें कट ऑफ वगैरह बनाई जाती है, तो इस पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कितने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ वीडियो चैनल पे आएगी, आपको फर्दर जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएगी और बुक्स वगैरह भी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी थी बीएड की, कैसे भरें, क्या चीज़ है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई क्वेरीज अगर आपके मन में हो, दिमाग में हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली कोई अगर बात करनी हो तो टेलीग्राम जो है कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ से जो है आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यार लास्ट डेट है और किसी का छूटे ना फॉर्म, जो भी यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकें, जो भी अपीयरिंग वाले हैं आपके संपर्क में हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।